और अब वो खबर जो खुद मीडिया के लिए सबक है। स्टिंग ऑपरेशन ने ली एक सैनिक की जान। मीडिया ट्रायल ने हरियाणा के तीन लड़कों को बना दिया विलेन। ये जर्नलिज्म नहीं है, ये अनैतिकता है। दो मामलों में मीडिया की भूमिका पर उठे सवाल। हमसे गलती क्या होती है कि हम उस वीडियो को चला देते हैं और साथ में हम ये भी लिख देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। महाराष्ट्र में एक सैनिक की खुदकुशी और रोहतक में कथित छेड़खानी के मामले में तीन लड़कों का बरी होना, ये दोनों मामले मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। एक जिम्मेदार मीडिया संस्था होने के नाते जी न्यूज हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि हम मीडिया ट्रायल से बचें, निष्पक्ष रूप से खबरें दिखाएं, अनैतिक रिपोर्टिंग ना करें। कि उसके भाई ने कहा कि ये उसका धोखे से स्टिंग किया गया, उसको पब्लिक किया गया। लेकिन ऐसी खबरें जो आधी अधूरी जानकारी के आधार पर तैयार की जाती हैं, ऐसी रिपोर्ट्स जिनमें सभी पक्षों की बातों का संतुलन नहीं होता, वो किस कदर खतरनाक हो सकती हैं, ये इन दो घटनाओं से साफ जाहिर है। खबर क्रिएट करने लगेंगे तो कभी कभी आप अपनी उस हद को लांघेंगे, उस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे। जी न्यूज का वादा है कि हम निष्पक्ष रिपोर्टिंग और पूरा सच दिखाने के अपने वादे को हमेशा पूरा करते रहेंगे। मीडिया पत्रकारिता ये वो पेशा है जिसके लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है ईमानदारी, पर पत्रकारिता की जो इमारत बेईमानी से खड़ी की जाती है वो बहुत जल्दी ही गिर जाती है। आज देश के सामने यही संकट है, ऐसी कमजोर नींव वाली इमारतों को पहचानने की जरूरत है जो झूठ और गलत खबरें दिखाकर न सिर्फ लोगों को बदनाम कर रही है बल्कि उनकी जान भी ले रही है। हरियाणा में सोनीपत की लड़की ने जिन लड़कों पर छिड़काने का आरोप लगाने और उनसे मारपीट करके पूरे देश में शोहरत पाई थी, अब वो कोर्ट में झूठी साबित हुई हैं। ये वही लड़कियां हैं जिन्हें मीडिया के एक हिस्से ने सर पर बिठा लिया था। वहीं दूसरी तस्वीर है एक फौजी की जिसने एक गैर जिम्मेदार मीडिया की वजह से खुदकुशी कर ली, या कहें एक न्यूज पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन के बाद एक सैनिक अपनी जान देने पर मजबूर हो गया। अब सेना उस न्यूज पोर्टल पर कार्रवाई की भी तैयारी कर रही है। ये दोनों खबरें मीडिया को शुद्ध करने की तरफ जोर देती हैं। खबर दिखाने से पहले आपको इसकी क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बता देते हैं। पहली विश्वसनीयता है कि खबर की जगह पर रिपोर्टर की मौजूदगी, इस खबर पर जी न्यूज के रिपोर्टर मौजूद हैं। दूसरी विश्वसनीयता है कि खबर सत्यापित है यानी कि सही है या नहीं है तो हम आपको बता दें कि यह खबर सही है। तीसरा पैमाना है गवाह या एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में विशेषज्ञों की राय ली गई है। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का, इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये वीडियो जी मीडिया ने शूट किया है, इसलिए आप इस पर यकीन कर सकते हैं। नवंबर 2014 की ये तस्वीरें और अब 2016 का ये स्टिंग ऑपरेशन, ये सबूत है भारतीय मीडिया में उस अंधेर गर्दी का जिसके खिलाफ अब सख्त एक्शन लेने का वक्त आ गया है। एक खबर में बेकसूर लड़कों को मीडिया ट्रायल करके उन्हें छेड़खानी करने वाला मजनू करार दे दिया गया। दूसरी खबर है लांस नायक रॉय मैथ्यू की, जिनको एक न्यूज पोर्टल ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में फंसाकर मरने पर मजबूर कर दिया। दिमाग लगा के सोचने वाली बात है कि अगर ये अपने सीनियर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहा है इतनी डिसिप्लिन बॉडी में जो कि आर्मी है, तो इसके ऊपर शायद ये डर जाए। मैं नहीं कहती कि आर्मी इसके ऊपर रिएक्ट करती, मगर ये डर गया बिल्कुल, क्योंकि डरना सिखाया गया है उनको अपने बड़े अफसरों से। तो ये थोड़ा सा इंटेलिजेंटली करना चाहिए कि जिससे आप मदद ले रहे हैं उसी के ऊपर कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़े। पहले हरियाणा की खबर को तफसील से समझते हैं। 28 नवंबर 2014 को सोनीपत के थाना खुर्द गांव की रहने वाली आरती
और पूजा ने रोहतक के आसन गांव के रहने वाले कुलदीप, मोहित और दीपक पर चलती बस में छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और लड़कियों को शोहदों के खिलाफ बड़ी नायिका के तौर पर मीडिया में पेश किया गया था। मीडिया ट्रायल का एक नुकसान ये होता है कि पहले ही चूँकि वो एक तरफा विषय आ जाता है और उसके कारण मानसिकता भी बन जाती है और ये वाकई में दोषी है या नहीं दोषी है इसकी पहचान हुए बिना जनता ये मानने लगती है कि वो व्यक्ति दोषी है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है भूल गया कि दूसरे पक्ष का रुख भी दुनिया देखे, लेकिन अनैतिक पत्रकारिता ने सिर्फ एक पहलू ही दिखाया। हम बहुत जल्दी में होते हैं खबरों को ब्रेक करने के, बहुत जल्दी में होते हैं लोगों से आगे निकलने के। प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रतिस्पर्धा अगर एक युद्ध में बदल जाए खबर देने के, वो शायद गड़बड़ है। उसमें कभी कभी हम फैक्चुअल मिस्टेक करते हैं, जो मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। इसलिए देखिए अब कैसे उसी मीडिया को मुंह की खानी पड़ी, जब कोर्ट ने हरियाणा रोडवेज की चलती बस में दो बहनों से छेड़छाड़ के मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 40 गवाहों से पूछताछ की गई थी, जिन्होंने लड़कियों के खिलाफ गवाही दी। लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी लड़के बेकसूर साबित हुए थे। मैं मीडिया ट्रायल की जगह मीडिया एक इशू को एक संतुलित तरीके से यदि लेके जाए आगे और उसके बाद फैसला यदि न्यायपालिका पर वाकई में छोड़ दिया जाए तो उससे अपराधी कौन है, निर्दोष कौन है, इसकी परख ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद शिकायत करने वाली लड़कियों ने अब इस मामले में हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। अब देखिए दूसरा केस, जहां शोहरत पाने की कोशिश में एक न्यूज पोर्टल की ऐसी करतूत सामने आई जिसकी वजह से एक फौजी को अपनी जान देनी पड़ी, उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दिया गया। लोग हमसे अपनी बातें शेयर करते हैं और हम उसको धोखे में उसको टेप कर लें और उसको फिर पब्लिक कर लें और उसके ये समझते हुए कि ये ना समझते हुए कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसका इस व्यक्ति की ज़िंदगी में या उसके परिवार की ज़िंदगी में या उसके अपनी ज़िंदगी में उसका क्या इम्प्लिकेशंस होंगे। लांस नायक रॉय मैथ्यू नासिक में तैनात थे। एक न्यूज़ पोर्टल ने उनका स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें मैथ्यू ये कहते हुए दिखे कि उनके जैसे सैनिकों से अफसरों के कुत्ते संभालने और बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम करवाया जाता है। कोई बात बोल रहा है धोखे में, उसको पता ही नहीं कि आप उसकी उसके कंटेंट्स का जो वो कन्वर्जेशन है या जो वार्तालाप है जो आप स्ट्रिंग के जरिए उससे ले रहे हैं उसका वो किस रूप में कहाँ इस्तेमाल करेगा करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि करने वाले व्यक्ति के वेस्टेड इंटरेस्ट है। देखिए मैं भी एक टीवी चैनल का संपादक रहा हूँ और मैं अपने समय में स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं होने देता था, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं ये मानता हूँ कि खबर हो जाने के बाद हम कवर करते हैं, खबर को क्रिएट करने में हमारी भूमिका नहीं होती, और अगर आप खबर क्रिएट करने लगेंगे तो कभी कभी आप अपनी उस हद को लांघेंगे, उस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे जो हमारे पूर्वज संपादकों ने, पूर्वज पत्रकारों ने बहुत सोच समझ कर बनाई थी, जिसकी वजह से हमारी इज्जत और क्रेडिबिलिटी है। लांस नायक रॉय मैथ्यू की संदिग्ध हालात में मौत हो गई और शक जाहिर किया गया कि उन्होंने खुदकुशी की है। उनकी मौत के मामले में अब सेना उस न्यूज पोर्टल पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है जिसकी रिपोर्ट के बाद वो जवान दबाव में था। हमसे गलती क्या होती है कि हम उस वीडियो को चला देते हैं और साथ में हम ये भी लिख देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाई मेरे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? तो हमें ये ज़रूर गौर करना होगा कि हम जब चीज़ों को पब्लिश करें अथवा प्रसारित करें तो उस समय हम इस बात का ज़रूर गौर करें कि उसमें किसी व्यक्ति का अनायास नुकसान तो नहीं हो सकता है, हम किसी की दुश्मनी को चलाने के जिम्मेदार तो नहीं हो रहे हैं, हम किसी के साथ पार्टी तो नहीं हो रहे हैं। मीडिया की गुणवत्ता पर तभी सवाल उठते हैं जब मीडिया अपने प्रिंसिपल से दाएं बाएं हो जाता है। भारतीय सेना ने कहा है कि मुमकिन है कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद मैथ्यू काफी दबाव में थे जिसके कारण उन्होंने अपनी जान दे दी। अगर किसी को नुकसान पहुंचेगा किसी चीज से, स्पेशली इनोसेंट आदमी को, तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई ऑब्वियसली अगर कोई किसी अपनी अथॉरिटी या बड़े की शिकायत करेगा तो वो उसको डर लगेगा आगे जब मालूम हो जाएगा, तो इसलिए किसी को इस लेवल तक हार्म ना किया जाए कि ये नौबत आए। मैथ्यू 25 फरवरी से लापता थे,
जिसके बाद देवलाली कैंट एरिया में मैथ्यू का शव संदिग्ध हालत में उनके बैरक में मिला। परिवार के मुताबिक मैथ्यू ने 25 फरवरी को आखिरी बार कॉल की थी, जिसमें वो घबराए हुए थे। सोल्जर जो डिसिप्लिन जो सेना है उसके सदस्य के साथ इस तरह का घटना घटी, बहुत दुखद है। ये लोग तो बचाव जो सिविल सेवा में है या सिविल नागरिक व्यवस्था में है वो तो अपना बचाव कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन एक सोल्जर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता ना, उसको परमिशन नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। अब मैथ्यू की मौत पर सवाल उठने के बाद शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया है। ये दोनों ही खबरें मीडिया ट्रायल का हिस्सा बनी है। एक तरफ आरोपी कोर्ट में बेकसूर साबित हुए और दूसरी तरफ एक फौजी को मीडिया ने अपना नाम करने के लिए उसको जिंदगी खत्म करने पर मजबूर कर दिया। ये दोनों केस भारतीय मीडिया के उस हिस्से के लिए सबक हैं जो टीआरपी की अंधी रेस में फर्राटा पर यकीन रखते हैं, ना उन्हें अपनी जिम्मेदारी का होश है और ना ही किसी की जान की कीमत समझते हैं। दिल्ली में रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।